नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में एक बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है, तो उसी के बारे में अभी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे है तो उसे मंजूर करने हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा गया है। तो जी हाँ दोस्तों, 1 जुलाई 2019 को ये जो पत्र ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा गया है, तो इसी के बारे में अभी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो बड़ा अपडेट ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन धरोहर के मांगों के संदर्भ में निकल कर आ रहा है तो इसकी जानकारी आप सभी पेंशन धारकों को मिल सके। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाले अपडेट है वो आपसे किसी भी तरह से मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उसे मंजूर करवाने के हेतु जो है वो माननीय जिला अधिकारी बुल्ढाना द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने एक पत्र लिखा है। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा ये जो पत्र है वो 1 जुलाई 2019 को माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा गया है। तो जी हाँ दोस्तों, इसी के बारे में अभी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इस पत्र में बताया गया है, ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगों को मंजूर करने हेतु श्रृंखला अंशन का 190वां दिन। तो जी हाँ दोस्तों, श्रृंखला अंशन के 190वें दिन जो है वो ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा ये जो पत्र है वो माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा गया है। इसमें इन्होंने लिखा है कि आदरणीय महोदय, हमारे संगठन ने ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगों को मंजूर करने हेतु पिछले 2 सालों से तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कई आंदोलन किए, जिसमें दिनांक 4 दिसंबर 2017 से 7 दिसंबर 2017 और दिनांक 4 दिसंबर 2018 से लेकर दिनांक 7 दिसंबर 2018 के दिल्ली आंदोलन और दिनांक 27 फरवरी 2019 को जंतर मंतर से माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय पर मोर्चा भी शामिल है। माननीय श्रम तथा रोजगार मंत्री महोदय के साथ कई बैठक होने के बाद भी उनके द्वारा दिए गए आश्वासन आज तक पूरे नहीं किए गए, इस कारण ईपीएस पेंशनर्स में रोष चरम सीमा पर है। इस रोष को प्रकट करते हुए बुल्ढाना में जिला अधिकारियालय के सामने दिनांक 24 दिसंबर 2018 से आज तक भूख हड़ताल जारी है, फिर भी हमारी तरफ आज तक सरकार ने ध्यान नहीं दिया। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत 30 साल तक हर माह 100 रुपए अंशदान देने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन देने की योजना है। हम ईपीएस 95 के पेंशन धारकों ने औसत 30 से 35 साल तक हर माह 541 रुपए का अंशदान किया है, फिर भी हमें केवल 200 रुपए से लेकर 2,500 रुपए तक भी पेंशन मिल रही है। हमें आशा है कि इस भेदभाव पूर्ण नीति पर आप स्वयं विचार करेंगे। इस विषय पर आपसे निवेदन है कि श्रम तथा रोजगार मंत्रालय द्वारा सीबीटी की बैठक में बिना विलंबित बुलाकर मिनिमम पेंशन को 7,500 रुपए किए जाए, साथ में महंगाई भत्ते को भी मंजूरी दी जाए। यदि महंगाई भत्ते को जोड़ने में कुछ तकनीकी बाधाएं आती है तो महंगाई भत्ते की राशि को मिनिमम पेंशन से समाविष्ट कर पेंशन की राशि घोषित किए जाए। उसके बाद इस पत्र में लिखा है, ईपीएफओ के दिनांक 31 मई 2017 के अंतरिम पत्र को, जिसके लिए सीबीटी की और श्रम मंत्रालय की किसी प्रकार की मंजूरी नहीं ली गई है, तुरंत इसे वापस लिया जाए। सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को तथा उनकी पत्नी को मुफ्त में वैद्यकीय सुविधाएं दिए जाए। जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ईपीएस 95 योजना में शामिल नहीं किया गया है उन्हें उसका सदस्य बनाकर पेंशन योजना में लाया जाए, अन्यथा 5,000 रुपए की राशि पेंशन के तौर पर दी जाए। हम आपको विनम्रता पूर्वक बताना चाहते हैं कि हमारी सभी मांगे ईपीएफओ के पेंशन फंड में से ही पूरी की जा सकती है। आपसे नम्र निवेदन है कि आप उपरोक्त कार्यवाही कर हमें कृतार्थ करें, अन्यथा देश के 60 से लेकर 80 साल की उम्र के ज्येष्ठ नागरिकों को मजबूरन आंदोलन तीव्र करना पड़ेगा। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी को ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे मंजूर करवाने हेतु ये पत्र लिखा गया है, तो इसी के बारे में आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जानकारी ली। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे है तो इस पत्र में इसका जिक्र जो है वो किया गया है।
साथ में इन्होंने यहाँ पर बताया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन है उसे जल्द से जल्द सीबीडी की बैठक बुलाकर जो है वो 7,500 रुपए किए जाए और उसे महंगाई भत्ते के साथ भी जोड़ा जाए। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में ये जो बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा था, तो उसी के बारे में आज हमने इस वीडियो के माध्यम से इसकी जानकारी ली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाले अपडेट है वो आपसे किसी भी तरह से मिस ना हो सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।